अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर साथियों मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, कुवैत से लेकर। कुवैत में दोस्तों किडनैपिंग की घटना घटी है। कुवैत में इजिप्शियन वर्कर छोड़ के, हज़ारों वर्कर छोड़ के जा रहे हैं। कुवैत में कोरोना की हालात अभी क्या है और भी कुछ खबरें साथियों आ रही है। एक शख्स को वहाँ पर फांसी की मौत की सज़ा सुनाई गई है, तो इस वीडियो में सारा डिटेल आपको बताऊँगा। तो वीडियो मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको कुवैत की हर एक जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों जो खबर आ रही है फॉर किडनैपिंग टू बॉयज़, दोस्तों वहाँ पर जैसा कि फोटो में आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कुवैत के एरिया में दोस्तों वहाँ पर एक बच्चे को किडनैपिंग करने की कोशिश की गई है। कार में दो शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि कैप पहना हुआ है, दोनों टी शर्ट में है। तो दोस्तों फिलहाल ये सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल दोस्तों पुलिस इसकी छानबीन अभी कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों इन सभी को भी तलाशा जा रहा है कि दोनों शख्स कौन था नहीं था, और इस सबको अभी छानबीन पुलिस के द्वारा किया गया है। अगली खबर साथियों जो कुवैत से आ रही, थाउजेंड ऑफ इजिप्शियन विल लीव कुवैत परमानेंटली विद इन ए मंथ। साथियों बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो इजिप्ट के हज़ारों लोग दोस्तों हमेशा के लिए कुवैत छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरोना क्राइसिस, कोरोना की वजह से कंटिन्यू फॉर मोर देन 18 मंथ। एन ऑफिशियल सोर्स इन द इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन कन्फर्म दैट थाउजेंड ऑफ इजिप्शियन वर्किंग इन कुवैत आर प्रिपेयरिंग टू रिटर्न देयर होमलैंड वंस एंड फॉर ऑल, कबास रिपोर्टेड। बताया जा रहा है वहाँ पर काफ़ी महीनों से वहाँ पर लोग इजिप्शियन जो लोग हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, वहाँ पर रहते थे, काम कर रहे थे, पर काफ़ी दिनों से वहाँ पर काम वगैरह नहीं मिल रहा था। जिसके बाद जो मिस्र के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि हज़ारों मिस्त्री लोग वापस कुवैत छोड़कर अपने वापस मुल्क आ रहे हैं। ऐसा दोस्तों अल कबास रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि काम बहुत ही कम है और लगातार वहाँ पे अभी स्थिति काफ़ी ख़राब है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों इजिप्शियन लोग वापस आ रहे हैं। अगली खबर साथियों आ रही है, क्रिमिनल कोर्ट ऑर्डर द डेथ पेनल्टी फॉर एक्यूज ऑफ किलिंग फरा अकबर। साथियों फोटो देखने को आपको मिल रहा होगा, इस लड़की का नाम था फरा अकबर, जिसको एक शख्स ने मार दिया था, हत्या कर दी थी दोस्तों, जिसका फोटो आपको देखने को मिल रहा है। यही वो शख्स था जिसने इस लड़की का हत्या की, जिसके बाद कोर्ट ने जो क्रिमिनल कोर्ट है फाइनली ये ऑर्डर सुना दिया गया है कि इसको डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब दोस्तों इस शख्स को वहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी ताकि फरा अकबर को इंसाफ मिल सके। अब साथियों बात कर रहे थे कोविड 19 की ताज़ा अपडेट के बारे में, काफ़ी दिनों से मैं आपको नहीं बताया था तो आज बता देता हूँ। नया केस वहाँ पे 14,850 आया हुआ है टोटल वहाँ पे, सॉरी नया केस दोस्तों वहाँ पे जो नया जो जांच हुआ 14,850, टोटल 30,64,191 लोगों का जांच किया जा चुका है। न्यू रिकवरी 1887 है, टोटल 3,46,993 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। नया केस 1993 है और टोटल 3,67,642 केस अब तक आ चुके हैं। 24 घंटे के अंदर साथियों 20 लोगों की मौत हो गई। साथियों जो मरने का आंकड़ा है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, टोटल वहाँ पे 2,049 लोग अब तक कोविड से मर चुके हैं। आईसीयू में दोस्तों 310 लोग हैं और कोविड वार्ड में 1150 लोग हैं। करंटली वहाँ पे केसेस के बारे में बात करें 13.42 है, जो कि 1% बढ़ गया है, और जो ठीक होने की परसेंटेज 94.38 है। टोटल एक्टिव केस वहाँ पर 18,600 है। तो पूरी ताज़ा अपडेट थी कोविड 19 की और कुछ खबर थी जो कुवैत से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ।